नमस्कार, जनाधार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं महिपाल सिंह रावत। कोरोना वायरस पूरे विश्व में दहशत के तौर पर फैलता जा रहा है और भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 423 के पार हो चुकी है, वहीं 9 लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस से हो चुकी है। बीते रविवार मोदी जी के आह्वान के बाद लोगों ने इसका अभिनंदन किया और घर में बैठ के जनता कर्फ्यू का पालन किया। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जागरूकता अभियान फैला दिया है। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन आपातकालीन के तरह होता है, सिर्फ आपको उसके दौरान राशन, खाद्य और पेय पदार्थ जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, बाकी आपको घर में रहने की सलाह दी जाती है। बता दें देश के 12 राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जो कि 31 मार्च तक रहेगी। इसमें 12 राज्यों में दिल्ली समेत बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब समेत 12 राज्य शामिल हैं। वहीं देश के 22 राज्यों के 75 जिलों में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।